किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए, 6 दिन की होगी ट्रेनिंग, इतना लगेगा चार्ज, जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट। आइए जानते हैं कृषि ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 65 वर्ष तक आयु वर्ग के राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक पात्र होंगे। खेती किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए पायलटों को की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट प्रशिक्षण संस्थान से रिमोट पायलट ट्रेनिंग पाने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रिमोट पायलट ट्रेनिंग के आवेदन करने वाले आवेदकों श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा विस्मो एग्रीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड और PVCS एरो हब पुणे के संबंध से जोबनेर में स्थापित भारत सरकार के DGCA से मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कृषि ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 65 वर्ष तक आयु वर्ग के राजस्थान के मूल निवासी आवेदक पात्र होंगे। आइए अब जानते हैं ट्रेनिंग फीस पर 50% की सब्सिडी। 6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी के लिए ट्रेनिंग चार्ज 50,000 रुपये और आवास भोजन व्यवस्था 4,300 रुपये का फीस निर्धारित की गई है। सफल प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क की 50% राशि कृषि विभाग द्वारा वहन की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने और डिजिटल स्काई DGCA इन पर प्रशिक्षणार्थी का नाम और रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC नंबर की पुष्टि होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए अनुदान देय होगा। आइए अब जानते हैं आवेदन करने का प्रोसेस क्या है। रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदक को अपने जनाधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल अथवा राज किसान सुविधा ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा की अंक तालिका की प्रति स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। कृषि उत्पादक संगठन या कस्टम हायरिंग केंद्र द्वारा नामित होने की स्थिति में आवेदक को संगठन या केंद्र के अधिकृत हस्ताक्षरता के द्वारा नामांकित किए जाने के प्रमाण पत्र की कॉपी भी स्कैन कर अपलोड करनी होगी। इस कैटेगरी के आवेदकों को प्रशिक्षणों के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।